ए व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आकाश। तो इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले? पटकी, क्या पटकी? अरे पटकी, अरे क्या पटकी? ग्रीन वाला पटकी। ग्रीन वाला पटकी। तो बेसिकली ये पटकी पटकी बोला दिया ना तजन। बेसिकली ये जो पटके हम बनाने वाले हैं वो कि बिगिनर्स के लिए है। आप नॉर्मल सस्ते मटेरियल से भी बना सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको माचिस की तिल्लियाँ चाहिए, फेविकॉल चाहिए और नॉर्मल सा पेज चाहिए। कहीं से भी फाड़ लो पेज को। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर यूज़ कर लो, वो तो गल ही जाएगा। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्रैक बनाने के लिए हमें सही सा मैच स्टिक छातना पड़ेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सही सा मैच स्टिक इन द सेंस, जो मैच स्टिक ना रेक्टेंगुलर, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में हो, बीच में से टूटा ना हो। जैसे कि मैं कंपैरिजन के लिए दो स्टिक ले रखा है, एक देख सकते हैं, एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में जो ये वाला है, जो मेरे दोनों हाथ में ये वाला देख सकते हैं, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में है ये मैच स्टिक। तो इसे हम पटरी बनाने के यूज़ में ले सकते हैं। बाकी ये वाला स्टिक देख सकते हो, एक साइड से ना मतलब ट्रायंगुलर शेप में है, तो हम इसे नहीं लेंगे। ऐसे ही करके हमें छाटना है मैच स्टिक को। तो गाइस, छाटने के साथ साथ हमें इसके बारूद को भी छील लेना है प्रॉपर तरीके से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा हादसा हो चुका है मेरे साथ। तो ऐसे हादसा आपके साथ ना हो, इस वजह से क्या करना, आप बैकग्राउंड पे एक पेपर लेके रखना। अगर बाय चांस ऐसा हो भी जाता है, आप उसे सही से इसके अंदर डाल सको, जो बारूद यहाँ पे बिखर चुका है वो प्रॉपर इसके अंदर डाल सको। तो गाइस, यहाँ पे होता है छिलना कंप्लीट। टोटल मैंने यहाँ पे 3 माचिस का यूज़ किया है, और इसमें से क्या 2 एक्स्ट्रा तिल्लियाँ निकले, जो जिन्हें हम क्या यूज़ नहीं कर सकते क्रैक बनाने में। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा प्रॉपर इसे डब्बे में पैक कर दिया है। एक जाएगा रसोई में और एक जाएगा मंदिर में। तो गाइस, मैं एक बार ना स्टिकों को काउंट कर लेता हूँ, टोटल 3 जो माचिस की डिब्बे हैं उसमें से कितने तिल्लियाँ आए हैं हमारे पास क्रैक बनाने लायक। तो मैं काउंट करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे टोटल जो स्टिक होता है हमारा 72। तो गाइस, ये रहा वो बारूद जो हमें मिला है माचिस की तिल्लियों को छील कर। बाकी इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल ट्रेन में कोई सिनेमैटिक शॉट शूट करने के लिए, उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपको। ये रहा जो सामान जो कि मैं बेस बनाने के लिए यूज़ करूँगा ट्रैक का, और ट्रैक का बेस बनाने के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ जो कि है ड्राइंग शीट। बाकी आप चाहे तो नॉर्मल कॉपी का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर जो पेपर आपके पास अवेलेबल है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर यूज़ कर लो, वो तो फट ही जाएगा। बाकी ये रहा कुछ सामान जो कि ये रहा रेफरेंस के लिए मैंने ट्रैक ले रखा है, जो कि दोनों का बीच में माप के यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये रहा स्केल, ग्लू, कैंची और पेंसिल, इसी का यूज़ करके मैं ट्रैक बनाने वाला हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो गाइस, इन दोनों के बीच का जो गैप है 1.8 सेंटी सॉरी 1.8
कितना है दोबारा भूल गया यार, हाँ 1.7 सेंटीमीटर की, सॉरी 1.7 सेंटीमीटर की, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो जो मैंने लाइन यहाँ पे खींच रखा है उन दोनों के बीच में जो गैप रहने वाला है 1.7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो दोनों साइड से हम माप लेते हैं पेंसिल। तो गाइस यहाँ पे हमारा बेस होता है कंप्लीट। अब क्या करेंगे, लाइन के उस साइड हमें क्या करेंगे, माचिस को लगाएंगे एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ऐसे करके आपको भी लगाना है माचिस की तिल्लियों को, ध्यान रखना लाइन के उस साइड लगाना है, अंदर नहीं, तभी ट्रेन इसके ऊपर चलेगा। तो गाइस इसके साथ साथ मैंने एक ट्रेन का पहिया ले रखा है ताकि साथ के साथ चला के देख सकूँ प्रॉपर स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा। और यहाँ पे एक मैंने कोच ले रखा है, यहाँ पे देख रहा हूँ कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा चिपकाने के बाद, तो एकदम परफेक्ट चल रहा है ये। तो फिर मिलते हैं बाकी ऊपर ट्रैक बना के। तो गाइस हमने जितने भी माचिस की तिल्लियाँ थी हमने जो छील के रखा था टोटल 72 था आई थिंक, हाँ 72 था, तो उन सभी का मैंने ट्रैक बना लिया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल चार बने हैं, टोटल चार बने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड गाइस, ये रहा जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे टोटल चार ट्रैक बना के रखे हैं। एक ये रहा, ये तो अभी साइड में कर देता हूँ, ये रहा एक ये रहा, ये वाला बना के दिखाया था मैंने आपको वीडियो में, एक ये हो गया, दो इस, तीन चार। अब क्या करेंगे, इन चारों को ना आपस में जोड़ के एक लंबा सा ट्रैक बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रैक बनाने, तो वो लंबा ट्रैक बनाने के बाद इसे मैं क्या करूँगा, चला के दिखाऊँगा कैसे चलता है इसमें, ठीक है। तो जोड़ के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लेड की मदद से ट्रैक के साइड साइड जितने भी एक्स्ट्रा पेजेस थे वो मैं काट रहा हूँ, ऐसे करके मैंने जितने भी ट्रैक है उनका काटा है साइड का पेज। तो काटने के बाद ये कुछ दिखने में ऐसा लगेगा, एकदम प्रॉपर तो नहीं काटा लेकिन हाँ ठीक ठाक लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जितने भी ट्रैक था यहाँ पे जोड़ दिया है, देख सकते हो कितना बड़ा ट्रैक है, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल 150 सेंटीमीटर का ट्रैक है। और बाकी मैंने क्या करेगा, ब्लेड की मदद से ना ऊपर के साइड थोड़ा सा स्मूथ कर दिया ताकि ट्रेन जब चले प्रॉपर चले एकदम स्मूथली रन हो सके, इस वजह से मैंने ब्रेड के मदद से ऊपर का जो ट्रैक है वो हल्का सा छील दिया। बाकी अब देख लो अब रनिंग टेस्टिंग। तो गाइस इस ट्रैक को ज्वाइंट किया था मैंने इस मास्किंग टेप की मदद से, तो प्रॉपर अलाइनमेंट करके इसके पीछे मास्किंग टेप लगा दिया था, तो इस वजह से ही ये चिपक पाया है। और तो गाइस अब खुद ही सोचो हमने सिर्फ 3 रुपये का ट्रैक बनाया है, 3 रुपये में कितना, 3 रुपये इन द सेंस 3 रुपये का माचिस, मैंने 3 माचिस के डिब्बे यूज़ किया वीडियो में, तो 3 माचिस के में कितना था आई थिंक 72 स्टिक छाँट छाँट के निकाला था हमने, जिससे बना कि 150 सेंटीमीटर ट्रैक जो कि वो होता है 1.5 मीटर की। तो अब खुद ही सोचो अगर हमने 100 रुपये के माचिस खरीद के ऐसे ही ट्रैक बनाना स्टार्ट कर दिया तो कितना बड़ा हो सकता है वो ट्रैक, अब खुद ही अंदाज़ा लगाओ। बाकी मैं कुछ ट्रैक दिखा देता हूँ जो कि मैंने पहले बना रखा है,
इनफैक्ट उनका मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो, और तब तक के लिए आप ट्रैक देखो। तो गाइस ये रहा कुछ ट्रैक, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ट्रैक हैं, जंक्शन है, ये मैंने एक्चुअली बहुत ही बड़ा जंक्शन बनाया था, ये देख सकते हो। लाइट को ज़रा घुमा दूँ, ये रहा, ये फोल्डिंग ट्रैक बनाया था मैंने। ये जितने भी ट्रैक हैं यहाँ पे देख रहे हो आप, वो सब मैंने मैचिस की तिल्लियों को जोड़ जोड़ के बनाया है। बाकी आप ऐसे ही मैचिस की तिल्लियों को यूज़ करके बना सकते हो ऐसे ट्रैक। बाकी हाँ गाइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, मैं चेक करके बता दूंगा, जो ज़्यादा कॉमन आंसर रहेगा उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करूँगा। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।